हेलो एंड वेलकम टू शिफाली कुकिंग क्लासेस। आज मैं बनाऊंगी रसमलाई ट्रेसलेचेस। इसे हम ग्लास में बनाएंगे। आप इसे रसमलाई ट्रेसलेचेस शॉर्ट भी बोल सकते हो, आप इसे जार में भी बना सकते हो। किसी भी तरह के हैम्पोस, दिवाली, कोई भी फेस्टिवल ओकेजन या हम कभी किसी के घर विजिट करते हैं तो भी हम इसे बना कर ले जा सकते हैं। इवन इसे आप एक दिन पहले बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब भी आपके घर पे गेस्ट आने वाले हैं, आप जस्ट इसे फ्रिज से निकालिए और सर्व कीजिए। देखने में तो ये बहुत सुंदर लगते ही हैं, साथ ही खाने में भी बहुत टेस्टी है, बहुत मॉइस्ट है, जूसी है और परफेक्ट डिज़र्ट है किसी भी ओकेजन के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई रेसिपी पोस्ट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो रसमलाई ट्रेसलेचेस बनाने के लिए मैंने एक बोल लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 180 ग्राम दही। दही को मैंने फेंट लिया है और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 90 ग्राम ऑयल। तो कोई भी आप यहाँ रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। 110 ग्राम मैंने शुगर ऐड किया है। आप कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर, कोई भी शुगर ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम देखेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने लिया है 210 ग्राम मैदा यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसमें ऐड करेंगे 30 ग्राम कॉर्नफ्लोर एंड 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे और इस प्रोसेस को आप स्किप मत कीजिए। तो यहाँ मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। इधर हमारे बैटर को 5 मिनट हो गए हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और कुछ ड्रॉप येल्लो फूड कलर के। साथ ही मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून कश्मीरी केसर। ये एसेंस इसमें बहुत अच्छा लगता है। आप यहाँ रसमलाई एसेंस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ सैफरन एसेंस ऐड किया है। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ओवर मिक्सिंग मत कीजिए, अच्छे से ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स को बस हमें मिक्स करना है। दूध ऐड करेंगे और एक थिक बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ लगभग मुझे 1/8 कप दूध लगा है। आपको हो सकता है 1-2 टेबलस्पून कम और ज़्यादा लगे। तो एक थिक बैटर बनके हमारा तैयार हो गया है। इधर मेरे पास है ये ट्रे जिसमें मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है, इसमें हम इसे बेक करेंगे। तो एक शीट ट्रे लीजिए या कोई आपके पास बड़ा टिन हो उसमें इस केक को बेक कीजिए। अच्छे से स्प्रेड कीजिए, टैप कीजिए और 160 डिग्री पर इसे बेक कर लीजिए। यहाँ मेरा केक अच्छे से बेक हो गया है। हम इसके साइड्स को लूज़ करेंगे और डीमोल्ड करेंगे। तो बहुत इजी है ये केक बनाना। आप इसे रेगुलर भी बना सकते हो, खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगता है। पार्चमेंट पेपर को मैंने रिमूव कर दिया है और आप देखिए कितना जालीदार, सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनके हमारा तैयार हुआ है। इसे हम एक ट्रे पर निकालेंगे, एक वायर रैक पर, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास 5 ग्लासेस और ये है मेरे पास कुकी कटर। तो एक कटर हमें छोटा चाहिए तो इसे पीछे से चेक कर लीजिए और ऊपर से ग्लास थोड़ा बड़ा है तो एक हमें बड़ा कुकी कटर चाहिए। ये मेरे पास घर की ही बनी हुई रसमलाई है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर पोस्टेड है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें से हमने बॉल्स हैं उन्हें अलग कर दिया है और मिल्क को अलग छोड़ दिया है। रसमलाई की बॉल्स को मैंने छोटा बनाया है और सभी बॉल्स को अलग कर दिया है। इसके साथ ही जो रसमलाई का रस है उसे हम एक कप में निकालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। इधर जो रसमलाई की बॉल्स हैं उन्हें अच्छे से क्रश कर लीजिए क्योंकि उसे हम एज आ फिलिंग यूज़ करेंगे। अब मैंने लिया है एक पाइपिंग बैग और एक ये राउंड नोज़ल है जिसे हम पाइपिंग बैग में सेट करेंगे और ऊपर से कट करके पाइपिंग बैग में इस तरह से नोज़ल सेट कर लेंगे। इस पाइपिंग बैग में हम ऐड करेंगे व्हिपिंग क्रीम।
तो मेरे पास यहाँ डेरी विप क्रीम है, आप नॉन डेरी, ट्रोपोलाइट, रिच, कोई भी विप क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए स्पैचुला पर इस तरह से चेक कर लीजिए, हम इस तरह के डॉट्स बनाने वाले हैं। तो स्पैचुला पे हमेशा चेक कर लीजिए और उसके बाद आप आइसिंग कीजिए। केक मेरा ठंडा हो गया है, अच्छे से सॉफ्ट है, अब हम इसे कट करेंगे। तो पहले हम छोटे वाले कुकी कटर से कट करेंगे, ये हम ग्लास के बेस में ऐड करेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने कट कर लिया है, इसे हम बीच से दो पार्ट्स में कट कर लेंगे। केक काफ़ी थिक है इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में कट किया है। तो आप देख सकते हो एकदम स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैंने 5 राउंड बनाकर तैयार कर लिए हैं और एक राउंड को हम हर ग्लास के बॉटम में, बेस में इस तरह से लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने 5 ग्लास तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर रसमलाई मिल्क पोर करेंगे। तो लगभग 3 टेबलस्पून तक आप ईच ग्लास में रसमलाई मिल्क को पोर कीजिए और उसके बाद जो क्रश किए हुए रसमलाई के बॉल्स थे वो हम इस पर लगा देंगे। यहाँ पर अभी हम ट्रेसलेचेस मिल्क नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर हम ट्रेसलेचेस मिल्क लगाएंगे तो केक हमारा बहुत मीठा हो जाएगा। तो बॉटम में मैंने सिर्फ रसमलाई मिल्क लिया है, अब हम ट्रेसलेचेस मिल्क बनाएंगे। तो मैंने यहाँ 1/4 कप रसमलाई मिल्क लिया है, जो रसमलाई का मिल्क था। इसमें हम 2 टेबलस्पून मिल्क मेड ऐड करेंगे और कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे, किसी भी ब्रांड का आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं। 1/4 कप हम प्लेन मिल्क ऐड करेंगे, याद रहे सभी चीज़ें हमारी ठंडी होनी चाहिए, कुछ भी हमें गर्म यहाँ यूज़ नहीं करना है। 1/8 कप मैंने क्रीम यूज़ किया है, अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्सर हमारा एकदम ठंडा है, हमें ठंडा मिक्सर ही चाहिए। तो ये हमारा ट्रेसलेचेस मिल्क बनके तैयार हुआ, इसे हम 2 से 3 टेबलस्पून हर ग्लास में पोर करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी ग्लासेस में पोर किया। अब हम थोड़े से पिस्ताशियो फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आप यहाँ पिस्ताशियो और कैश्यू दोनों में से कोई भी ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब हमें चाहिए टॉप के लिए केक, तो जो बड़ा कुकी कटर था उसके राउंड्स हम बनाएंगे। तो बड़े कुकी कटर से मैं यहाँ पे 5 राउंड तैयार करूँगी। इसे भी हम बीच से कट कर लेंगे क्योंकि केक हमारा काफ़ी थिक है, तो हमें बहुत ज़्यादा थिक साइज़ का राउंड नहीं चाहिए। इसे भी हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने एक छोटे साइज़ का बेस लगाया, उसके बाद हमने रसमलाई मिल्क को पोर किया, फिर हमने रसमलाई बॉल्स डाले, फिर हमने ट्रेसलेचेस मिल्क डाला और उसके ऊपर हमने एक और केक का बेस लगाया है। तो इस तरह से 2 लेयर हमारी बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है और बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। अब हम इस केक के ऊपर वापस से 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क पोर करेंगे। मिल्क हमें अच्छे से पोर करना है ताकि केक अच्छे से सारा मिल्क सोक कर ले और इसे हमें कम से कम 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखना है ताकि दूध केक के साथ अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस तरह से विप क्रीम से डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हो। मैंने आज यहाँ पे इस तरह से डॉट्स बनाए हैं, एकदम सिंपल डिज़ाइन मैंने रखा है ताकि कोई भी इसे इजीली बना सके। ये डिज़ाइन देखने में भी सुंदर लगता है और टेस्ट में तो ये केक बहुत अच्छा लगता ही है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। गिफ्टिंग के लिए कोई गेस्ट आते हैं उस टाइम के लिए भी ये बहुत अच्छा डेजर्ट है, ज़रूर बनाइए, बहुत इजी है। एक दिन पहले बनाकर रख सकते हैं, इसकी सेल्फ लाइफ 3 से 4 दिन फ्रिज में आप इसको अच्छे से रख सकते हैं, फ्रिज के बाहर आप इसे ज़्यादा टाइम मत रखिए। ऊपर से हम इस पे पिस्ताशियो फाइन चॉप किया हुआ स्प्रिंकल करेंगे जो इसके लुक को बहुत इन्हांस करेगा। साथ ही हम थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे। तो ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रसमलाई का बॉल्स लगाएंगे। तो मैंने रसमलाई के बॉल को हाफ कट किया है और फिर लगाया है। ऊपर से हल्का सा रोज पेटल वापस से लगा दीजिए, ये बहुत कॉन्ट्रास्ट लुक देता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। और आप देखिए बहुत सुंदर हमारे
ग्लासेस तैयार हुए हैं। इसे आप एक बोल में भी बना सकते हो, जार में भी बना सकते हो, और जब आप इसे सर्व करोगे तो ऊपर से थोड़ा सा मिल्क और डालिए और उसके बाद इसको सर्व कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपकी कोई रेसिपी की डिमांड है तो वो भी कमेंट करके बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट रेसिपी। बाय।